हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डैक्टिपल टू। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग, और आज हम देखने जा रहे हैं यू वर्सेस देम, यानी कि आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका अब इस पर्सन को लेकर क्या सोचना है और इस पर्सन का अब आपको लेकर क्या सोचना है। तो इन दोनों डेक से मैं आपकी एनर्जीज देखूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं अब इस पर्सन को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और ये पर्सन आपको लेकर अब क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। तो इस तरह से आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं। आई होप आप टॉपिक अच्छे से समझ पाए होंगे और साथ में ये भी समझ पाए होंगे कि किस तरह से रीडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जीज इसीलिए चेक कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है या नहीं है, आप कितना इस रीडिंग से अपने आप को कनेक्ट कर पाते हैं। देखिए, एनर्जीज कई बार वाइस वर्सा हो जाती हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या फील कर रहे हैं वो मैं एनर्जीज यहाँ पर पढ़ रही हूँ। तो हो सकता है जो मैं आपके पर्सन के लिए रीडिंग पढ़ रही हूँ वो आपको लगे तो मेरी एनर्जी है, और आपके लिए पढ़ रही हूँ हो सकता है वो आपके पर्सन की एनर्जी हो। तो बहुत रेयर केस में वैसे ये चीज़ें होती हैं, लेकिन एक बार फिर भी मैंने आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और सबसे पहले आपकी एनर्जी जानते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की क्या सोच है अब अपने पर्सन को लेकर। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स की क्या सोच है अपने पर्सन को लेकर। लव, हार्ट चक्रा, ट्रस्ट, दो कार्ड्स हैं मैनिफेस्ट, सैडनेस एंड आइसोलेशन एंड ओवरऑल एनर्जी है कन्फ्रंट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस करूंगी। ये जो भी एनर्जीज होंगी आपकी भी हो सकती है और आपके पर्सन की भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि है, जिसमें आपकी एक्वेरियस एंड जेमिनाई काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिख रहा है, क्योंकि ये भी आपकी जेमिनाई की ही एनर्जी है। उसके अलग ये है आपकी पाइसिस की एनर्जी। ठीक है, आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शंस में हो सकते हो, उसकी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। तो जैसा कि सवाल है कि अब आपका क्या सोचना है, आप किस एनर्जी में हो, किस तरह की फीलिंग्स आपकी हैं। देखो, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप इस पर्सन को डेफिनेटली हद से ज़्यादा मिस करते हो। आप इनके प्यार को, इनके साथ को हद से ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन अब इस मिसिंग एनर्जी के साथ साथ ना आपको पेन भी होता है। अब आपको इनको याद करके जैसे कि दिल में आपके सुइयां चुभ रही हों, आपको ऐसा भी महसूस होता है, क्योंकि अब ना आप इस पर्सन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहे हो। इस पर्सन ने ऑलरेडी एक बार आपका भरोसा तोड़ दिया है। तो आप अब इस पर्सन को याद तो करते हो, लेकिन उस यादों में ना आपका मुझे साफ साफ एक दर्द नज़र आ रहा है। और इवन अब आपके साथ ये दिख रहा है कि आप अब इस पर्सन को याद भी करते हो तो आप उस यादों से उदास हो जाते हो। उस यादों को लेकर आपको ये लगता है जैसे कि आप अपने आप को कहाँ छुपा लो, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को पता नहीं कहाँ आप छुपा कर रख लो। तो उस तरह की चीज़ें अब आपके साथ हद से ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन याद आते हैं तो मैं उन यादों का सामना करूं या मैं उन यादों से अपने आप को दूर ले जाऊं। आप इस चीज़ को अच्छे से समझ नहीं पा रहे हो। इवन अब आपके मन में ना एक क्लियर थॉट भी नहीं बन रहा, एज इन कि आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं इस पर्सन को अपने साथ के लिए मैनिफेस्ट करूं या अपने आप से दूर धकेलने के लिए मैनिफेस्ट करूं। क्योंकि यहाँ पर आपका ऑलरेडी एक बार भरोसा टूट गया है, उस इंसान ने आपका भरोसा तोड़ा है जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा करा है। कई बार आपको ऐसा भी लगता है कि जो इस इंसान ने मेरे साथ करा, मुझे ये जो दर्द दिए हैं, मुझे जो एकदम अकेला और तन्हा करके छोड़ दिया है, इस चीज़ का कन्फ्रंट ये करे, इस चीज़ को ये एक्सेप्ट करे मेरे सामने और उस चीज़ की मुझसे माफ़ी मांगे। तो कई बार आपके मन में ये चीज़ें भी चलती हैं। आपको ये लगता है कि भाई कहाँ तो एक वक्त पे ये मुझे मेरी परछाई बनने के लिए तैयार था या थी, और आज
जब मैं अंधेरे में हूँ, जब मैं उदास हूँ, तो ये मेरा साथ छोड़कर भी चला गया है या चली गई है। तो ओवरऑल आप काफ़ी डिस्टर्ब एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो इस पर्सन की, यादों को साथ में रख कर भी और यादों को दूर रख कर भी, ये चीज़ें आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं आपकी एनर्जीज, गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स की एनर्जीज के बारे में, बताइए इनका क्या सोचना है आप करंट एनर्जीज। सेवन ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है एस ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, ये आपकी वर्गो की एनर्जी है एंड ये है आपकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए बेसिकली आपके साथ क्या हो रहा है कि जैसे इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा है, वो चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं अब सबसे दूर कर रही हैं, आप ना किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो इस पर्सन पे, क्या इवन आप किसी भी नए इंसान को अपनी ज़िंदगी में लेकर आ भी नहीं पा रहे हो, आप हर किसी से अपने आप को डिफेंड करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए फिर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये मेरी लाइफ में क्यों आया है, किस इंटेंशन से आया है या आई है, इसका मेरे से बात करने का क्या मतलब है। तो एज एन आप ना पूरी तरह से भरोसा तो तोड़ चुके हो और इसी रीज़न की वजह से ना आपने अपने आप को, अपने दिल को अकेला रखना ही बेहतर समझ रखा है। एज एन आपने जैसे अपने लिए ये डिसीज़न ले लिया हो कि कुछ समय के लिए तो स्पेशली मुझे अपने दिल को ना अकेला ही रखना चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपने आप की, अपने साथ की ज़रूरत है, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। याद आप बहुत करते हो इस पर्सन की मेमोरीज, इस पर्सन की फ़ोटो हद से ज़्यादा आप देखते हो, जो भी आपके पास इनकी चैट है, जो भी सामान है, आप हद से ज़्यादा उन्हें देखते हो और उन्हें देखकर आप इस कदर रोते हो कि भाई तुमने मेरा भरोसा क्यों तोड़ा, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। तो आप इनकी यादों को देख कर अब खुश नहीं, बेसिकली रोते हो, तो वो चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम तो अब आप देखना ही प्रेफर नहीं कर रहे हो। अब आपके दिल में ये चीज़ें चलती हैं कि मुझे ये एक बार मिल जाए ना तो मैं इससे फाइट करूँगी या करूँगा, मैं इससे ना अपने दिल की सारी भड़ास उतारूँगा या उतारूँगी। यानी कि है तो दिल में प्यार, लेकिन गुस्सा भी अब आपके मन में इनके लिए हद से ज़्यादा है। आप ना अपने आप को इस आइसोलेट एनर्जी से डेफिनेटली निकालना चाह रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप इस एनर्जी से निकलना भी नहीं चाह रहे या निकालना भी नहीं चाह रहे हो, चाह ज़रूर रहे हो, काम भी बहुत कर रहे हो, लेकिन आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, एज एन आप बहुत मेहनत कर रहे हो कि मैं ना सोचूं इसके बारे में, मैं परेशान ना करूं अपने आप को, अपनी सोल को, अपने दिल को, तो मेहनत जितनी कर रहे हो उतनी मेहनत आपको ऐसा लगता है सब बेकार जा रही है। ठीक है, हालांकि पॉजिटिविटी अपने लाइफ में कौन नहीं चाहता, आप डेडिकेटली अपने काम पे, वर्क पे फोकस कर रहे हो, चीज़ों को समझ भी रहे हो, लेकिन दिल आपका ना इन चीज़ों को अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो कि समझ रहा है तो दर्द की वजह से वो उस चीज़ को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो चीज़ें हैं, आप इस वक्त में एक ऐसी एनर्जी में हो जैसे कि आप पैशनेट हो लेकिन उस चीज़ को लेकर हो कि ये बंदा या बंदी मेरे सामने आकर कन्फ्रंट करे अपनी गलतियों का, अपनी गलतियों को मेरे सामने आकर बोले और फिर मैं इस पर भड़ास उतारूं। तो आपके ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे आप मन से ना बहुत परेशान हो और वो परेशानी ना आपकी इन कार्ड्स में साफ साफ झलक रही है, ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है करंट आपको लेकर या ओवरऑल। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, बताइए इंट्यूशन, ट्रैप्ड इन फियर, इमोशनल लॉस, ट्रिम्फ, रेस्ट एंड रेजुविनेट एंड ओवरऑल एनर्जी है पेशेंस। ठीक है,
तो यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है कैंसर पाइसिस एंड स्कॉर्पियो कर्क मीन एंड वृश्चिक राशि जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस मिथुन तुला एंड कुंभ राशि, जिसमें आपका कैंसर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में दिखाई दिया है एंड ये हो गया आपका सजिटेरियस की एनर्जी। ठीक है, देखिए यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर ये चीज़ें तो क्लियर हो रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, यानी कि ये पर्सन भी वेटिंग मोड पर है, पेशेंस कर रहे हैं कि चीज़ें कब बैलेंस में आएँ, जैसे कि एक सही वक्त का ये इंतज़ार कर रहे हैं और आपके हिसाब से वो सही वक्त कब का चला गया है। आपको तो ऐसा लग रहा है कि अब वो वक्त है ही नहीं और ये इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस एक सही मौके की तलाश मिल जाए तो उस हिसाब से मैं आगे मूव करूँगा या करूँगी। ये पर्सन ना इस वक्त में उस स्टेज पे अपने आप को फील कर रहे हैं जैसे कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ना एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर पूरी तरह से ट्रैप्ड है, पूरी तरह से ये हेल्पलेस हैं। इवन इस पर्सन के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है ये किसी तरह का एक्शन ले, किसी तरह की मूवमेंट, किसी तरह के मूवमेंट के बारे में सोचे, तो उस तरह का डर मुझे इस पर्सन के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन इस एनर्जी में है, जैसे कि रेस्ट में है, चीज़ों को वापस से रिकनेक्ट करने के लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं, उसके बारे में जैसे काफ़ी कुछ छानबीन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा तहकीकात कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो, तो उस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ये पर्सन अपने आप को उस जगह पे महसूस कर रहे हैं जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि हाँ ये इमोशनली लेवल पे तो सब कुछ हार गए हैं, इनके पास अब इमोशनली लेवल पे जुड़ने वाला कोई रिश्ता नहीं बचा है, और उस चीज़ को सोच सोच कर ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। ठीक है, इंट्यूटिवली ये पर्सन जब भी ये सुनते हैं ना कि इन्हें क्या करना चाहिए, तो इनके इंट्यूशन जैसे इन्हें अभी के लिए तो यही गाइड कर रही है कि तुम्हें वेट करना है और तुम्हें सही मौके की तलाश करनी है, सही मौके के आते ही तुम्हें यहाँ पर मूव करना होगा, तुम्हें यहाँ पर मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में करंट में हद से ज़्यादा चल रही हैं। एज एन अगर आप इमोशनली लेवल पे अपने आप को हारा हुआ, टूटा हुआ फील कर रहे हो, तो फील तो ये भी यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि भाई देखो, अगर दोनों ही ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर इस कनेक्शन में गलत फहमियाँ क्रिएट हुई है, यहाँ पर इस कनेक्शन में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर इस कदर चढ़ गई है कि आप दोनों खुद से शुरुआत नहीं कर पा रहे हो, या अगर कोई शुरुआत करता है या करती है तो दूसरा उस पर तुरंत से भरोसा नहीं कर पा रहा है या पा रही है। तो इस तरह की चीजें मुझे अभी तक की रीडिंग में समझ में आई हैं और हम टैरो से देखते हैं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए करंट एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के पर्सन की, यूनिवर्स गाइड कीजिए बताइए क्या सोचना है व्यूअर्स के पर्सन का, गाइड कीजिए बताइए। दो कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, नाइन ऑफ वैंड्स, टेन ऑफ वैंड्स, गाइड कीजिए बताइए करंट एनर्जीज व्यूअर्स के पर्सन की क्या है। टू ऑफ बैंड्स, ईगो, द सन एंड ओवरऑल एनर्जी है फोर ऑफ पेंटिकल्स। देखिए बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली ना आपकी तरफ मूव तो करना चाह रहे हैं, इस कनेक्शन में डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन के दिमाग को बहुत ज़्यादा मैनेज करा जा रहा है। ठीक है, जिस रीज़न की वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में रुकना, वेट करना ही इनके लिए बेहतर होगा, यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सच और झूठ कहा जा रहा है इस पर्सन को, इस पर्सन के माइंड को मैन्युपुलेट करने के लिए, अपने मुताबिक चलाने के लिए, और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन जहाँ पर है वहाँ पर खामखामे डरा हुआ फील कर रही है, ट्रैप्ड हुआ हुआ फील कर रहे हैं और इमोशनली लॉस हुआ हुआ फील कर रहे हैं। एज एन जैसे कि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि एक गलत फहमियाँ ना
आप दोनों के बीच में किसी और के थ्रू क्रिएट करे जा रहे हैं कि तुम उसकी तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारा पता नहीं क्या होगा, कि तुम फंस कर रह जाओगे, तुम्हारा वो तुम्हारे साथ चाहता है या चाहती है भी या नहीं। तो उस तरह से इस पर्सन को यहाँ पर जहाँ पर ये हैं वहीं पर वेट करने के लिए जैसे कि बोल रखा हो, तो उस तरह की चीज़ें हैं। और ये पर्सन ना इसी रीज़न की वजह से आपकी तरफ बढ़ने की बजाय अपने आप को डिफेंड ज़्यादा कर रहे हैं, अपने प्यार के लिए बढ़ने की बजाय, इस प्यार के लिए फाइट करने की बजाय ये पर्सन अपने आप को डिफेंड ज़्यादा करने में लगे हुए हैं। हालांकि जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें इस पर्सन को हद से ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, हद से ज़्यादा परेशान कर रही हैं। पॉसिबिलिटी है कि इस स्ट्रेस से दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन ये जितना भी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं वो इन्हें उतना ही स्ट्रेस दे रहा है, उतनी ही ज़्यादा इनकी हेल्थ पर असर भी डाल रहा है। क्योंकि इनकी ये सोच बनाई जा रही है कि तुम जहाँ पे हो वहाँ पे तुम कुछ कर नहीं सकते हो, वहाँ पे तुम पूरी तरह से पावरलेस हो, और अगर तुम उसकी तरफ बढ़ते हो ना क्लियरिटी देने के लिए, बताने के लिए, तो तुम और भी ज़्यादा ट्रैप्ड ही होंगे। तो उस तरह की सोच इस पर्सन की बना रखी है, यानी कि यहाँ पर ये पर्सन हद से ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं, क्रॉस रोड पर अपने आप को फील कर रहे हैं, और उस क्रॉस रोड पर खड़े रहने की वजह से कोई भी एक सटीक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उस क्रॉस रोड पर खड़े होने पर इन्हें फील हो रहा है कि ये जहाँ पर है वहाँ पर पूरी तरह से इमोशनली अकेले है, पूरी तरह से ये यहाँ पर स्टक है एक सटीक डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, कोई प्लानिंग करने के लिए भी इवन ये पर्सन स्टक है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में करंट में चल रही हैं। इस क्रॉस रोड पर खड़ा होकर भी इस पर्सन को आपकी, आपके साथ की जैसे कि यादें तो आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर इस पर्सन को कभी तो इनके दिमाग को कंट्रोल करके कि भाई तुम ट्रैप्ड हो जाओगे, और कभी इनके ईगो को बूस्ट करके इन्हें यहाँ पर रोका जा रहा है। एज इन कि तुम्हें नहीं उसे तुम्हारी तरफ बढ़ना होगा, तुम्हें नहीं उसे तुम्हारे सवालों का जवाब देना होगा। तो उस तरह की इस पर्सन के ईगो को भी यहाँ पर ना जैसे कि चार्ज करा जा रहा हो, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे कि ये पर्सन काफ़ी चीज़ें तो अब करंट में इसीलिए ईगो पर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन को उसी हिसाब से मैनेज करा जा रहा है। ये पर्सन जहाँ पे है वहाँ पर डेफिनेटली इतने ज़्यादा परेशान है, इतने ज़्यादा हेल्पलेस है कि इन्हें जैसे अपनी खुशियाँ दिख नहीं रही। इन्हें पता है कि मेरी खुशियाँ कहाँ हैं, लेकिन अपनी खुशियों की तरफ बढ़ने के लिए इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा सच झूठ कह रखा है, जिस रीज़न की वजह से इतनी इच्छा होने के बावजूद भी ये वहीं पर रुके हुए हैं। तो करंट में आप लोगों के बीच में ये हो रहा है कि आपको तो ये लग रहा है ये मेरी तरफ आ नहीं रहे हैं, या मैं इसकी तरफ जा रही हूँ या जा रहा हूँ तो ये मेरी सुन नहीं रहा या रही, और इन्हें ऐसे समझाया जा रहा है कि नहीं तुझे ये बुला रही है या बुला रहा है तो इसके पीछे का कोई और मकसद है, तुम्हें फंसाने का मकसद है। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इस कनेक्शन में डेफिनेटली क्रिएट करी गई है, जिस रीज़न की वजह से आप लोग ना इस कनेक्शन में जुड़ नहीं पा रहे हो। देखते हैं कि इस कनेक्शन में क्या अल्टीमेटली ये जो गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में क्रिएट करी गई है जो, वो क्या ख़त्म होंगी, क्लियर होंगी या नहीं। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच की ये गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी या नहीं। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए द मून, गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच की ये गलत फहमियाँ दूर होंगी या नहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स और इनके पर्सन के बीच की ये गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी या नहीं। क्वीन ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए कि ये गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी या नहीं, गाइड कीजिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर मुझे बेसिकली
पॉसिबिलिटीज तो दिख रही है कि आप लोगों के बीच में गलत फहमियाँ ख़त्म होंगी, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि अभी आपके पर्सन जैसे कि इस जगह पर है, कन्फ्यूज्ड हैं। इवन आप भी कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जैसे कि अभी कन्फ्यूज्ड हो, इसी रीज़न की वजह से सिचुएशन में जो भी गलत फहमियाँ हैं वो ख़त्म होने में वक्त लगेगा। यानी कि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि इस कनेक्शन के बीच में ना अभी बहुत ज़्यादा काम होना है, इसी रीज़न की वजह से यहाँ पर इस कनेक्शन के सही होने में वक्त लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे होता है ना कि एक बार गलत फहमियाँ ट्रस्ट इश्यूज आ तो जाते हैं, लेकिन उसका कीड़ा निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है या बहुत वक्त उसे निकालने में लग जाता है, और उसके बाद भी वो बात नहीं आती जो पहले होती है। तो वही चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही है कि सिचुएशन डेफिनेटली इस वक्त में आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें रिजॉल्व ज़रूर से होंगी। एक चीज़ और मुझे यहाँ पर दिख रही है कि देखो, आप तो इस कनेक्शन में इस पर्सन के लिए और इस कनेक्शन के लिए हद से ज़्यादा इमोशनल हो, और ये पर्सन ना हद से ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं। यानी कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनालिटी के, डिफरेंट नेचर के हो, तो वो चीज़ें भी आप लोगों के कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, इसी रीज़न की वजह से वक्त और लग रहा है। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो मुझे दिखाई दे रही हैं कि हाँ, इस कनेक्शन में आप लोग फिर से जुड़ जाओगे, ये गलत फहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वक्त भी उतना ही लग जाएगा। देखते हैं और कि कब तक पॉसिबिलिटी है, गाइड कीजिए, बताइए इस गलत फहमी के ख़त्म होने की कब तक की पॉसिबिलिटी है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए इस कनेक्शन में आई हुई गलत फहमी के ख़त्म होने की पॉसिबिलिटीज़ कब तक की हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, गाइड कीजिए, बताइए कब तक ख़त्म होने की पॉसिबिलिटी है इस कनेक्शन में ही आई हुई गलत फहमियों की। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, देखो भाई यहाँ पर सिक्स सिक्स नंबर जैसे कि आपको दिख रहा है, तो ये तो श्योरिटी है कि भाई 6 हफ्ते तो आप लोगों को लग सकते हैं इस गलत फहमियों के ख़त्म होने में, ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर डेफिनेटली दिख रही है, ठीक है। तो 6 वीक्स मुझे दिखे हैं, फिर भी मैं एक कार्ड और निकालती हूँ, गाइड कीजिए, बताइए कब तक ख़त्म होने की पॉसिबिलिटीज हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो देखिए मुझे यहाँ पर 4 से लेकर 6 हफ्ते की पॉसिबिलिटी दिख रही है इस कनेक्शन में, जो भी गलत फहमियाँ आई हैं उनके ख़त्म होने की, उनके रिजॉल्व होने की। लेकिन पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर कुछ लोगों के बीच में ही दिखाई दे रही है, इतना भी मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत तगड़ी गलत फहमियाँ यहाँ पर क्रिएट करी गई हैं। यानी कि बहुत कम लोगों के बीच में ये गलत फहमियाँ दूर होंगी, ये चीज़ें भी मैं आपसे क्लियर करना चाहूँगी, ठीक है। तो ये थी मेरी रीडिंग कि आप दोनों का अब एक दूसरे को लेकर क्या सोचना है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं, तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।